हाय व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सब बहन भाइयों को तहसीन का सलाम, सब बच्चों को मेरा बहुत ज़्यादा प्यार। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शलजम गोश्त की रेसिपी। तो चले हमारे साथ रहिएगा और हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो शलजम गोश्त के लिए हमने एक बड़ा प्याज फ्राई करने रख दिया है और साथ ही साथ हम शलजम को पील ऑफ कर रहे हैं। तो इसके हम पीसेस बना लेते हैं बड़े बड़े से, मुझे तो बड़े पसंद हैं। अगर आपको छोटे पसंद हैं तो आप छोटे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे प्याज फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस डाल रहे हैं। तो इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली डाली है, हाफ़ टेबल स्पून हमने टर्मेरिक डाला है, हल्दी डाली है। तो ये बॉयल वाटर हमने डाल दिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो ये देखें दो हम टमाटर ऐड कर रहे हैं इसमें, और कुकर में हम गोश्त को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसको वेट दे देंगे 10 मिनट का। तो ये देखें ये हमने जिंजर गार्लिक क्यूब्स भी डाल दिया है, टमाटर भी डाल दिए हैं और इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें हमने ऐड कर दिया है बॉयल वाटर, 2 कप हमने डाल दिए हैं। तो अब हम इसको वेट दे देते हैं 10 मिनट का। तो ये देखें जी अब 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक करते हैं हमारा गोश्त गल चुका है। तो ये देखते हैं, ये देखें हमारा गोश्त गल चुका है। तो अब मैं गोश्त को सारी मीट को थोड़ा साइड पे कर देती हूँ और इसमें हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लेती हूँ कि जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं वो बहुत अच्छे से उनकी करी बन जाए। तो ये देखें ये हमारा हैंड ब्लेंडर हमने यूज़ कर लिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, अब हमने डाला है इसमें क्यूमिन सीड। तो अब इसको हम कुछ देर पकने देते हैं, तो जब तक हम योगर्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी योगर्ट रेडी हो गई है। 1 स्पून हमने योगर्ट डाला है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके पकने देते हैं 2 मिनट तक। तो ये हमने ऐड कर दिया है शलजम। तो अब इसको थोड़ा सा हम पका लेते हैं। ये देखें ये अब इसका पानी सूख चुका है। ये हमने अब डाला है एंड में कोरिएंडर और ये गरम मसाला पाउडर है। तो इसको हम इसमें पका लेते हैं थोड़ा कि अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो ये 2 कप हम बॉयल वाटर के डाल रहे हैं इसमें। अब हम इसको वेट दे देंगे कुकर का, 3 मिनट का हम वेट दे देंगे शलजम को। तो ये देखें ये हमारे 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं, ये देखें हमारे शलजम गल चुके हैं। तो इसकी आप करी जितनी भी रखना चाहें, आप थोड़ी सी थिक रखना चाहें तो, या थोड़ी सी रनी रखना चाहें, जैसे आपको पसंद है तो आप वैसे ही रख सकते हैं। तो ये देखें ये हमारा शलजम गोश्त रेडी है, अभी गर्म है। जैसे थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जाएगा तो ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा और इसका कलर और भी खूबसूरत होता जाएगा। तो ये हम गार्निश कर रहे हैं कोरिएंडर से, चिल्ली से और गरम मसाले से। ये हम स्प्रिंकल कर रहे हैं गरम मसाला। तो ये लें जी हमारा शलजम गोश्त रेडी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स देते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।